अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड प्लस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और जनाब, ये फ्राइडे का दिन है और हम लोग जा रहे हैं उकाड़ा। उकाड़ा हम क्यों जा रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे। आज मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हम लोग गए हुए थे और छुट्टियों पे थे, तो वहाँ पर जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी। एक्चुअली हम लोगों ने लाहौर जाना है क्योंकि हमें अब्दुल हादी का AFO करवाना है। तो काम तो जो है ना, वो हमारा सिर्फ 5-10 मिनट का ही था, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, लाहौर से ही होना था, इस वजह से हमें जाना पड़ा। तो हस्बैंड ने जो है दो छुट्टियाँ ली थी, 3 I think छुट्टियाँ ली थी, और साथ में जो है वीकेंड था। तो फिर हमने सोचा कि चले 4-5 दिन इकट्ठे हो गए तो हम लोग उकाड़ा जाएंगे, वहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर लाहौर जाएंगे। और वहाँ पर जो है अपना जो हमने काम करना है, अब्दुल का AFO करवाना था, वो सब कुछ हम लोग करेंगे। और साथ में जो है, अब जाहिर है छुट्टियाँ हैं तो बच्चों ने कहा कि हम घूम फिर भी लेंगे, तो फिर इसलिए जो है ना हम लोग लाहौर चले गए छुट्टियों पर थे, इसलिए मैंने इतने सारे दिन जो है ना वीडियोस नहीं बनाई। खैर, यहाँ पर जो है हम लोग पहुँचने वाले हैं उकाड़ा, और हम लोग गए थे सेकंड टाइम तकरीबन 3-4 बजे, 1 बजे हम घर से निकले थे जब ये लोग ऑफिस से आ गए थे। तो उसके बाद फिर हम घर से निकले और हमें जो है तकरीबन 5 बज गए थे यहाँ पर। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, मेरे देवर वो भी हमारे साथ गए थे, उनकी भी छुट्टी थी, वो भी गए थे। पहले उनको ड्रॉप करेंगे उनके घर और फिर हम लोग है जाएंगे अपने घर, और जाके जो है आज रात तो रेस्ट करेंगे क्योंकि सफ़र कर कर के ना बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। और फिर जो है नेक्स्ट हमारे प्लान है, वो लोग आप वीडियो में देखेंगे, हम लोग जाएंगे लाहौर में और घूमे फिरेंगे और हम सारी फैमिली जाएंगे। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को देखते रहिए। हाँ जी, तो जनाब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और सब लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम लाहौर जाने वाले हैं, और हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हम सब लोग मिलके जा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है उन्होंने वापस चले जाना है, तो उनके बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है जू वगैरह देखने का, तो हमने सोचा चले हम बच्चों को जो है ना सैर करवा के लेके आते हैं। तो हम सब लोग मिलके गए थे। बड़े वाले भाई के बच्चे जो हैं उनके पेपर हो रहे थे, इस वजह से वो नहीं जा सके, बेचारे काफ़ी मिस कर रहे थे। खैर, हमें जो जाना था अब्दुल के AFO के लिए ज़रूरी था, तो साथ में जो है सिस्टर के बच्चे भी चले गए और हम लोगों ने वहाँ मिलकर खूब इंजॉय किया और खूब घूमा। और इतने जो है ना ज़्यादा टाइम के बाद हमें मौका मिलता है, यानी कि कोई सालों के बाद हमें मौका मिलता है कि हम सब बहन भाई जो है ना इकट्ठे हो गए कहीं घूमें फिरें, तो वो जो भी टाइम होता है ना उसको हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। इतना मज़ा आता है, इतना जो है ना हमारा फैमिली टाइम होता है, तो हम लोगों ने जो है ना बहुत इंजॉय किया इस टाइम को। खैर, अभी जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर में, और यहाँ से हम घर से निकल गए, हम लाहौर पहुंच चुके हैं। और ये जो है ना हम लोग बहरिया जा रहे हैं क्योंकि वहीं पर हमने रहना है, वहीं पर था हमारा स्टे। और उससे पहले जो है हम अपना घर देखेंगे थोड़ा सा, थोड़े से बस मैंने क्लिप बनाए थे, ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे थे, बच्चे थे, तो बहुत ज़्यादा पीछे शोर और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे सफ़र को, बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी गपशप लगा रहे थे। तो फिर जो है ना मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि फैमिली टाइम इतना अच्छा चल रहा था, तो उसमें बंदा भूल ही जाता है ना रिकॉर्डिंग करनी। बस मुझे जब जब याद आया मैंने छोटे छोटे क्लिप बना लिए, और मैंने सोचा अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चले इनको जो है ना शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो ये जो है ना हमारा घर, ये अभी बन रहा है, अभी इसमें टाइम है, तो बस हमने सोचा हम आए हैं तो हम इसको देख जाते हैं जाते जाते, तो बस अभी इसके अंदर जाएंगे और अंदर से जो है घूम फिर के इसको देख लेंगे। और अभी खैर इसमें कुछ खास नहीं था जो कि मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती, बस सिंपल जो है अभी इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, तो अभी इसमें जो है ना काफ़ी टाइम है, अभी काफ़ी काम है, जब कभी कंप्लीट होगा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस अभी हम पहुँच गए हैं अपने घर में जहाँ पर हमने रहना है, और आने से पहले जो है बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, ग्रॉसरी ली है क्योंकि 2-3 दिन हमने इधर ही रहना है। और बस अभी जो है बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश करेंगे और फिर जाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को बहरिया की सैर करवा देंगे ना, बहरिया ही घुमा देंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चों के एनवायरनमेंट का काफ़ी सामान है। हाल है इधर, जूते अपने जो है ना बंद कर रही है, इधर पैदल ही चले जाते हैं। और ये मेरे भाई का हाल है,
तो जनाब ये है मेरा हाल। और अभी जो है बच्चे वो गए हैं घूमने पार्क में, और मैं और हम यानी कि बहन भाई वो आवारागर्दी करेंगे, अकेले घूमेंगे। तो यहाँ पर हम आए थे अल्फतेहपुर, थोड़े से बर्तन देखने थे और बहुत प्यारे प्यारे बर्तन थे, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। और जबकि इस्लामाबाद में मैंने देखा था इनके स्टोर पर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, वहाँ पर प्राइस बहुत अच्छे थे और मुझे वहीं से लेने चाहिए थे, और बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। खैर मैंने कुछ खास बाय तो नहीं किया, अभी तो जस्ट जो मैं घूम फिर रही हूँ और देख रही हूँ। एक्चुअली मैंने कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, हम जो है बस ऐसे घूम रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे अभी आ गए हैं, इनको सैरें करवानी है, बच्चों को हमारा मेन जो मकसद है वो बच्चों को सैरें करवानी, बच्चों को घुमाना है, तो बस इनको घुमाते हैं। के कोई 10 बजने वाले होंगे आई थिंक, टाइम का तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि इतनी अफरा तफरी मची हुई थी, बस टाइम का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या टाइम हो गया। खैर खाना जो है हमने वो पैक करवा लिया था, उसको हम घर ले आए, अभी जो है बच्चों को दूंगी क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस जितनी देर तक गाड़ी में बैठ के घूमते रहो उतनी देर तक ठीक है, जहाँ बाहर निकल जाओ वहाँ पर जो बुरा हाल हो जाता था बच्चों का, लेकिन बच्चों ने घूमना भी था, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। खैर अभी हम जो है ना खाना वाना खाएंगे और फिर जो है बच्चों को सुला के तो फिर हम खुद घूमने चले जाएंगे। और हमने क्या करना है, तो जनाब ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और अभी जो है तकरीबन 12 या 1 बजे का टाइम होगा, बच्चे जो है थोड़ा सा लेट उठे थे। खैर मैं तो सुबह 6 बजे के उठी हुई हूँ, मैं भी और हस्बैंड भी, हम दोनों जो है अब्दुल को ले गए थे, हमारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, हम लोग वहाँ गए और हमने अपना सारा काम जो करना था वो कर दिया, और बच्चे जो है वो घर में रेस्ट कर रहे थे। अभी उनको वो बिल्कुल जो है ना उठ गए थे, नहा धो के फ्रेश हुए, तो उन्होंने डिमांड की कि हमने जो है ना जू जाना है। मैंने उनको समझाया कि बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि हम लोग पहले घूम के आए थे ना बाहर से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज बहुत गर्मी है, लेकिन बच्चे नहीं माने जनाब, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो जू ज़रूर जाएंगे। खैर हम लोग जो है जू चले गए, और जू तो बच्चों के लिए ही होता है, बच्चे इंजॉय करते हैं, बच्चों ने बहुत मज़े किए जू में, गर्मी थी थोड़ी ज़्यादा, और बस फिर थोड़ी देर जो है 1-1.5 घंटे के लिए बच्चों ने जू में घूमा फिरा, खूब इंजॉय किया, और बस फिर हम यहाँ से चले गए क्योंकि गर्मी थी ज़्यादा, तो जो है ना यहाँ पर रुका ही नहीं गया। रही थी तो उसे जो है सामने एक फैन चलता हुआ नजर आ गया, तो उसने तो अपनी जो है ना जगह सेट कर ली और मजे से यहाँ पर जो है ना फैन के सामने आके खड़ा हो गया, और उसने बिल्कुल जो है ना इनकार कर दिया, मैं तो यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी थी। खैर और यहाँ पर साइड में जो है वो जिराफ इतने प्यारे लग रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे दोनों, आई थिंक ये कपल था। और जब ये चलते हुए आ रहे थे
तो वो जो है ना क्लिप आई थिंक पता नहीं मैंने मिस कर दिया कहीं, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था तो मैंने इसी टाइम में जो है ना इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी, वो मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। और बच्चे भी जो हैं वो साथ इधर कहीं घूम रहे हैं अपनी मर्जी से, जहाँ जिस जानवर को उनका देखने का दिल चाह रहा है वो भाग भाग के देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि रश नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोग थे, गर्मी थी तो खैर बच्चों ने इन्जॉय भी किया, बस एक ही चीज़ थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बच्चों ने ना बड़े मज़े से घूमा जू को और बड़ा इंजॉय किया, सारे जो है एनिमल्स वगैरह देखे। शदीद किस्म का, और बस अब हम जो है ना वापस जा रहे हैं, और अब हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे एम्पोरियम मॉल में और वहाँ पर जो है ना बाकी का टाइम वहीं पे स्पेंड करेंगे। तो बस हम जो है ना मॉल के लिए निकल पड़े हैं। अब हमें क्या जरूरत सऊदी है देखने, हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। थैंक यू मैम। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और बच्चे जो हैं वो फुल मूड में हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं, उनका बिल्कुल कोई मूड नहीं था घर जाने का और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अभी जो है हम लोग काफ़ी जो है ना थक चुके थे, तो हम लोग जो है अभी खाना ऑर्डर करके बैठे हुए हैं, वेट करेंगे, खाना खाएंगे और बस फिर खाना खाने के बाद जो है हम देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। जा रहे हैं क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, 2 दिन, तीसरा दिन है आई थिंक, हमें तीसरा दिन है हम जो है लाहौर में वापस गए। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सारी फैमिली थी और टाइम ही नहीं मिल रहा था, मुझे भूल भी जाता था, बस जब कभी याद आता था तो एक आधा छोटा सा क्लिप ले लेती थी। और रात जो है हम 12-1 बजे तक घूमते रहे, बच्चों को हमने जो है ना वो सुला दिया था और ख़ुद जो है हम सारी रात घूमते रहे। हमने मैंने शॉपिंग की, शॉपिंग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, जो कुछ मैंने लाहौर से ख़रीदा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं की, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी बच्चों के लिए और अपने लिए। और बस अभी जो है हम वापस चले जाएँगे, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया, ये सुबह सुबह का टाइम है, आई थिंक सुबह 6-7 बजे का टाइम था जब हम घूम रहे थे, और अभी जो है तकरीबन 11-1 बजे होंगे जब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। तो घर को जो है मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया और एक जो है आखिरी लुक देख रही हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, सब लोग जो है निकल गए हैं और बस जो है मैं देख रही हूँ हमारा कोई सामान तो नहीं रह गया, और ये सब कुछ करके फाइनल लाइट्स वगैरह ऑफ़ करेंगे और लॉक करेंगे घर को और अभी निकल जाएंगे। और अभी जो है हम लोग घर वापस जा रहे हैं और ये हम पहुंच गए अपनी ज़मीनों पर, जहां तक आपकी नज़र जा रही है हमारी ही है, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। खैर बस अभी घर जाते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।